मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भले ही कमिश्नरी प्रणाली लागू कर सख्त कानून लागू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही है। बदमाशों ने बढ़ते आतंक के कारण अब रहवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोड पर बैठकर प्रदर्शन के साथ ही पुलिस चौकी की मांग की है। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में बदमाशों द्वारा लगातार आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मल्हारगंज थाना क्षेत्र के रामबली नगर में बदमाशों द्वारा एक घर में पथराव किया गया। इसके चलते पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन रोजाना बदमाशों द्वारा किए जा रहे हमले से आहत होकर रहवासियों द्वारा उग्र प्रदर्शन कर महिलाओं ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि यहां पर बदमाशों का काफी आतंक है, रोजाना गली मोहल्ले में हमले किए जाते हैं, छोटे बच्चे और महिलाओं का सड़क से गुजरना दुश्वर हो चुका है, नशे के कारोबार के कारण भी बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी कारण आज यहां रहवासियों द्वारा इकट्ठा होकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। डेली और यहाँ तक कि लेडीजों की साड़ी खोल के भी इनको मारा जाता, तो भी आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा मेरे खुद का भी हुआ, ऐसा मेरे संग भी कर चुके हैं यहाँ के लोग, मैं किसको बोलूँ। कल ये संतोष मेहता जी है और अनसन बुड्ढी और जा रही, और छोटे बच्चों को गांजे और भांग की पुड़िया और ये नशे उन दुकान के बहाने चटाए जाते हैं मुँह पे, कि बच्चों ने आदत पड़ जाए तो इनसे खरीदने आएंगे और कहाँ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पुलिस के जो आए हैं वो भी आए थे, किस तरह की बात हुई आपसे? वो तो उनने आश्वासन दिया अपने को कि हम कार्रवाई करेंगे इस बारे में, अभी वो नए आए, इनको इस बारे में इधर के एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है। कल एक यहाँ जो झगड़ा हुआ था उसमें कुछ दो तीन लड़कों ने कुछ पत्थरबाजी की थी तो सिर में चोट वगैरह लगी थी, तो हमने पुलिस ने उसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। उनके अलावा जो भी वैधानिक कार्रवाई सख्त कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस चौकी की मांग के संदर्भ की बात है तो हम इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस चीज़ को लेकर आएंगे, ठीक है, और पुलिस की जो मूवमेंट है वो यहाँ भी बढ़ाई जाएगी, ठीक है।